हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एम बी इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव कोटा। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। प्रथम भेद है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, कोई भी कार्य संपन्न होता है उसका हमें पता लगता है विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत। जैसे उदाहरण है, रजनी गाना गाती है, मनीषा नृत्य करती है। यहाँ पर रजनी गाना गाने का कार्य कर रही है और मनीषा नृत्य करने का कार्य कर रही है, अतः ये विधानवाचक वाक्य में आते हैं। दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। इन निषेधवाचक वाक्यों में नकारात्मकता होती है, इनमें न, नहीं, मत का प्रयोग होता है। जैसे अनुराग बीमार नहीं है, मैं घूमने नहीं जाऊंगा। दोनों ही उदाहरणों में नहीं का प्रयोग किया गया है, अतः ये निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण है। तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाता है, जैसे क्या संगीता गाएगी। यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि क्या संगीता गाएगी, कौन आया है। दोनों ही प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण है। चतुर्थ भेद है आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में आज्ञा देने का बोध होता है, जब किसी से कोई कार्य करवाया जाता है तो उसको आज्ञा दी जाती है, उसका बोध होता है। उदाहरण है, राम तुम यहाँ आओ, आशु बाजार से सब्जी लाओ। अतः ये दोनों उदाहरण आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण है। पांचवा भेद है विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों में विस्मय अर्थात आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष आदि का भाव रहता है। जैसे आहा कितना सुंदर मौसम है, अरे तुम स्कूल नहीं गए। यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है दोनों ही उदाहरणों में। इच्छा वाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी इच्छा का बोध होता है, जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे। यहाँ पर क्या इच्छा प्रकट की गई है कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। दूसरा उदाहरण है, काश मैं भी अभिनय कर सकती। यहाँ पर अभिनय करने की इच्छा व्यक्त की गई है, अतः ये दोनों उदाहरण इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध होता है, अर्थात कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ इसका निश्चित पता नहीं लगता। जैसे उदाहरण है, शायद कल रात पानी बरसा था। यहाँ पर शायद शब्द लगाया गया है, अर्थात इससे पता नहीं लग रहा कि हो सकता है कल रात को पानी नहीं भी बरसा हो या बरसा हो। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, रेलगाड़ी आती ही होगी। अर्थात यह संभावना व्यक्त की गई है कि शायद रेलगाड़ी आती ही होगी, अतः ये दोनों उदाहरण संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण है। आठवां भेद है संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों में कार्य का होना या न होना किसी दूसरे कार्य के होने या न होने पर निर्भर होता है, जैसे कि यदि आप दवा खाते तो ठीक हो जाते। दूसरा उदाहरण है, यदि तुम आते तो मैं भी साथ चलती। अर्थात यहाँ पर एक कार्य जब पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है, जब दूसरा कार्य उसके ऊपर आश्रित है। जैसे उदाहरण में कहा गया है कि यदि आप दवा खाते तो ठीक हो जाते, यानी कि एक कार्य के पूरा होने में दूसरे कार्य के बारे में भी बताया गया है, अतः ये संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण है। थैंक यू।